इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सारिक्षो वारिष्ठमेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब मैं मुख्य अतिथि जी से निवेदन करता हूँ कि वे पुष्पमाला माता भगवती को अर्पित करें। ॐ खड्गम् चक्रगदे सुनाम परिघम् शूलम् भुजङ्गम् शिरा शङ्खम् सुरसरतिम् कैस्त्रिनयम् सर्वाङ्गभूषाभृता नीलाश्वज्योतिमास्यपाददशकम् सेवे महाकालिकाम् कामास्तोतस्पते हरो कृपया श्याम किशोर जी अपने नाम के अनुसार जिस भी क्षेत्र में इनको कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है वहां पर सरकार की क्या नीतियां हैं, उनका कैसे लाभ उठाया जा सकता है, ये भी घर घर जाकर के अपने पद से, क्योंकि जो ऑफिसर्स होते हैं वो हम देखते हैं कि वो ज्यादा सिद्धत नहीं लेते, लेकिन आज के जो मुख्य अतिथि है और दूसरे विशिष्ट अतिथि, इनका ये इनका ऐसा व्यक्तित्व है कि इनका ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश होती है कि हर मानस उसका लाभ उठा सके। तो मैं चांद किशोर जी का भी अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम में प्रदान किया। तत्पश्चात महामहिम राष्ट्रपति जी से सम्मानित और हमारे संस्कृत के हम सबके गुरु जिनसे हमने अनेक प्रकार की विद्याएं ग्रहण की है, संस्कृत को सीखा है, ज्योतिष संस्कृत का जब नाम आता है तो सभी सोचते हैं कि केवल कर्मकांड ही होगा, लेकिन संस्कृत के जो अनेक विषय हैं, चाहे दर्शन शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, साहित्य शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है, सब में निष्णात एवं अनेक स्वर्ण पदों को जिन्होंने प्राप्त किया है और अपनी सेवाएं, मैं तो ये कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अपने पूरे जीवन में अध्यापक के जीवन में किसी समय इन्होंने अवकाश दिया होगा, नहीं तो निरंतर अपना जो योगदान इन्होंने शिक्षा विभाग को दिया है। ऐसे डॉक्टर भूपेंद्र शास्त्री जी का भी मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूँ। तत्पश्चात पत्रकारिता को नए स्तर पर ले जाने वाले और जम्मू कश्मीर के प्रत्येक व्यक्ति की दुख हो चाहे सुख हो, हर प्रकार की परिस्थिति से सबको अवगत करवाने वाले वरिष्ठ पत्रकार और अपनी पत्रकारिता से सबके हृदय में जिन्होंने स्थान बनाया है, ऐसे अपने नाम के सदृश जैसे ज्योति सबको प्रकाश देती है, ज्ञान देती है, उसी प्रकार हर प्रकार का प्रकाश देने वाले श्री ज्योति पचनंदा जी का भी मैं इस समारोह में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने भी बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को प्रदान किया, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। तत्पश्चात सुकराला के ही रहने वाले और युवा पीढ़ी को उत्साहित करने वाले एवं हमारे ही जैसे शिक्षा विभाग में मैं उच्च शिक्षा विभाग में जिन्होंने पहले कार्य किया है और तत्पश्चात जिन्होंने केएएस का एग्जाम क्लियर किया और आज अपनी इस कोविड के इस महामारी में अपनी सेवाओं से सभी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत करवाने वाले सराहनीय कार्य करने वाले श्री राहुल शर्मा जी का भी मैं इस कार्यक्रम में हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो हिस्ट्री और जो पूजा विधि का जो एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे माननीय पंडित श्री तृप्त शास्त्री जी महाराज जी ने अपना बहुत कीमती समय निकालकर इस जो बुक का जो आज जो विमोचन किया है, इससे आने वाली जनरेशन को और सब भक्तों को बहुत लाभ होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, अगर आपने उसका मैक्सिमम इफ़ेक्ट लेना है तो ये जो पुस्तक है ये बहुत लाभदायक और बहुत ही जो है यूज़फुल रहेगी सब भक्तजनों के लिए, और जो दूर दूर से जो भी हमारे जो जनजीवन में जो माता की श्रद्धा रखने वाले और जो दूसरे और भी जो लोग हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं माता के दर्शन के लिए, उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक साबित होगी। और मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से
महाराज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने जो आने वाली जनरेशन और आने वाले जो भक्तजन और जो संगत है उसके लिए एक बहुत अच्छा तोहफा जो है वो भेंट किया है। इन्होंने बहुत ही अच्छी लगन और बहुत ही रिसर्च करने के बाद में इस बुक को लिखा और मेरी तरफ से इनके लिए बहुत बहुत नेक शुभकामनाएँ हैं। मल माता श्री सुकराला देवी जी इनके ऊपर और इनके परिवार के ऊपर अपनी श्रद्धा अपनी आशीर्वाद बनाए रखें और तमाम जो जम्मू कश्मीर और जो भारतवासी जो लोग हैं उनके ऊपर भी माता का आशीर्वाद बना रहे। आप सब भी जैसे अभी जो 2020 जो हमने देखा कि जो कोविड से त्रस्त रहा, तो ऐसे में जो माता का अगर आप देखें जो सप्तश्लोकी दुर्गा माता में जो जो लिखा हुआ है कि जब यहाँ पे पाप बढ़ जाएगा तो वो एक महामारी के रूप में आएंगे, तो हमें ये समझना होगा कि हमारे घर वाले या हमारे जैसे पेरेंट्स होते हैं ऐसे जब वो नाराज हो जाएं तो उनको मनाने का एक अच्छा तरीका होता है। ऐसे ही इस पुस्तक में जो सारी जो विधि और जो विधान के साथ में कैसे श्रीमल माता सुकराला देवी जी की पूजा पाठ किया जाता है वो सारा लिखा हुआ है। इसके लिए पंडित तृप्त शास्त्री जी और हमारे जो SDM साहब हैं जो चौकी चौरा के श्री चांद किशोर शर्मा साहब, ज्योति पचनंदा साहब और हमारे भूपेंद्र शास्त्री जी महाराज जो कि महामहिम राष्ट्रपति से सम्मानित हैं। मेरे को संस्कृत पढ़ने का कभी मौका नहीं मिला क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग और IIT में ही अपना समय ज़्यादातर लगाया है। अभी मैं चाहूँगा कि हमें भी भूपेंद्र शास्त्री जी महाराज तृप्त शास्त्री जी के माध्यम से कभी संस्कृत सीखने का और जो दैविक भाषा है इसको और आगे सीखने का मौका मिले।